आज की रेसिपी है कुछ खास, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ पनीर की मसाले वाली रेसिपी। तो मैं हूँ हेमलता, और चलिए आज जानते हैं कि पनीर की मसाले वाली रेसिपी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पनीर को उबाल लेंगे और इसे अच्छे से नरम कर लेंगे। उसके बाद इसे ऐसे कट कर लेंगे क्यूब के आकार में। उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले धनिया पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और रेड चिल्ली पाउडर आधा चम्मच। अब यहाँ पर कसूरी मेथी को ऐसे हाथों में घिस कर इसमें हम डाल लेंगे। डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे चुटकी भर। उसके बाद हाथों से इसे सबको मिला लेंगे। सभी मसालों को इसमें अच्छे से कोटिंग कर लेंगे और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इसे अच्छे से मिला लें और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद तेल में हम इन सभी को फ्राई करेंगे, तो इसमें अच्छा कलर आ जाना चाहिए और इसके सारे मसाले अच्छे से पक जाना चाहिए। तो तब तक इसे अच्छे से चलाएं और इसमें तुरंत ही इसमें कलर आने लग जाएगा। तो जब ये हो जाए तो इसे निकाल लें। निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल डालें और इसमें कुछ खड़े मसाले डालें और टमाटर ऐड कर लें। उसके बाद कुछ काजू और इसमें 3 चम्मच पॉपी सीड्स डालें और इन सबको अच्छे से चलाएं। काजू में थोड़ा कलर आ जाना चाहिए और टमाटर हल्का सा गल जाना चाहिए। तो इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो इन सबका अच्छे से पेस्ट बना लें। उसके बाद थोड़े से तेल डालकर इन पेस्ट को डाल लें और इसे अच्छे से चलाएं। इसे तब तक चलाएं जब तक कि इसमें तेल छोड़ ना ले। अगर इसमें पानी का कमी महसूस हो रहा हो तो पेस्ट वाला पानी डालें और इसे अच्छे से चलाएं और इसमें तेल छोड़ने तक इसे चलाते रहें। तो ये धीरे धीरे तेल छोड़ लिया, इसमें तेल आ चुका है ऊपर। तो अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले धनिया पाउडर, उसके बाद जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और पनीर मसाला 2 चम्मच डालें। 2 चम्मच डाल दें और सभी को मिला लें और थोड़ा सा पानी डाल के इन सभी को अच्छे से मिला लें और अच्छे से पका लें और इन्हें तब तक चलाएं जब तक कि इसमें थोड़ा सा तेल ना छोड़ दें। तो देख सकते हैं इसमें तेल ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारे मसाले हो गए हैं। अब इसमें नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच नमक डाल दें और इसे अच्छे से मिलाएं। अच्छे से मिलाने के बाद ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। जितना गाढ़ा चाहिए हम उतना गाढ़ा रख सकते हैं, तो इतना गाढ़ा हमें चाहिए। तो ये हो गया है और ये भी तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम पनीर को डाल देते हैं। पनीर को डालकर इसे मसालों के साथ अच्छे से मिलाएं और इसे अच्छे से कोटिंग करने के बाद जो हमने पहले पनीर को उबाला था वही पानी इसमें डाल दें। तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे पानी को फेंके नहीं, इसमें आखिरी में इसे डालें। और अगर आपको ये गाढ़ा लग रहा हो तो आप एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं। पानी को डाल लेने के बाद इसे अच्छे से उबालिए ताकि सारे मसाले पनीर के अंदर चले जाए और इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए। तो इसे अच्छे से उबाल लेंगे और किनारे में लगा हुआ मसाला को भी इसमें समेट लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर हम इसे उबाल लेंगे अच्छे से ताकि थोड़ा पानी कम हो जाए। तो हमें इसी तरीके का कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब हमारा पनीर मसाला रेडी हो गया है, हमें इसी तरीके का चाहिए। तो रेडी होने के बाद इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे आप डाल सकते हैं। और लास्ट में कसूरी मेथी डाल दें, हाथों के बीच में रख के घस दें और इसे डाल दें। तो ये हमारा पनीर मसाला रेडी हो गया। तो आप भी इंतज़ार मत करिए,
और इसे तुरंत बनाइए और तुरंत खाइए। अब ये रेडी हो गया है और आप तुरंत ही जाइए और तुरंत ही इसे ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी हो, और आप इसे रोटी या राइस दोनों के साथ खा सकते हैं। तो गर्मा गर्म पनीर मसाला रेडी हो चुकी है, और जाते जाते मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।